हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी करंट अफेयर की इस सीरीज में, जिसमें हम आपको तीन बेसिक सोर्सेज से आपको करंट अफेयर लाके दे रहे हैं। ओके, जिसमें हम कवर कर रहे हैं पीआईबी को, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को और द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, उन्हीं को क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको देंगे। ओके, ताकि आपको फील हो जैसे आप बिल्कुल एक एग्जाम सेंटर में बैठे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे प्रीवियस जितने भी हम लेक्चर कर चुके हैं करंट अफेयर के, आपने उनको एक बार गो थ्रू कर लिया होगा। ओके, तो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको ये बताना है कि 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है। ओके, ऑप्शन ए है एनके सिंह, ऑप्शन बी है अजय नारायण झा, ऑप्शन सी डॉक्टर अशोक लाहिरी, ऑप्शन डी है डॉक्टर रमेश चंद एंड ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अब आपको आंसर कैसे करना है, आपको कमेंट्स में जाके लिखना है। अगर आपको लगता है इसका आंसर बी या सी या डी या ए कुछ भी लगता है, तो आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन वन एंड उसके आंसर आगे अल्फाबेट लिख देना जो भी है ए बी सी। ओके, तो जिससे क्या कि हमें भी लगेगा कि हाँ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स चेक कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ओके, अब देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है न्यूज में क्यों था। देखिए, फाइनेंस कमीशन अभी अपनी 2018 से लेकर 21st अक्टूबर तक जो है यूपी के अंदर अपनी मीटिंग करेगा। ओके, लास्ट में 21st जो होगा उसको में यूपी के जो सीएम है और उनकी जो कैबिनेट है उनके साथ वो मीटिंग करेंगे। ओके, उनकी डेवलपमेंट को देखेंगे कि कहाँ कहाँ उनको और रिक्वायरमेंट है, अगर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगी तो वो रिपोर्ट आगे देंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो फाइनेंस कमीशन है अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है, ओके, इसकी जो रिपोर्ट है वो कब से लागू होगी, 1st of April 2020 से। तो अभी तक कौन से फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन चल रही है वो 14th फाइनेंस कमीशन का। अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। ओके, 15th का आपको पता चल गया, आपको 14th का बताना है। ओके, सो उसके बाद ये जो कमीशन था ये कब बना था, नवंबर 2017 में। मैं सिर्फ पर्टिकुलर 15th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद इनके जो मेंबर्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। चेयरमैन है इनके एनके सिंह, ओके, जिनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, और 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं, ओके, जिनमें कि आपके अजय नारायण झा, ओके, एंड अशोक लाहिरी एंड मिस्टर अनूप सिंह। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक इनपुट और देना चाहूंगा कि जो आपके अभी प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है, ओके, मिस्टर शक्तिकांत दास, वो भी इस कमीशन के परमानेंट मेंबर थे। बट आपको पता है कि दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट ने उनके किसके लिए सिलेक्ट कर लिया था, गवर्नर के लिए आरबीआई के, तो इसलिए इन्होंने यहां से रिजाइन कर दिया था और अभी वो किस क्या बन गया, आरबीआई गवर्नर। अदरवाइज 4th जो परमानेंट मेंबर थे वो कौन थे, आपके शक्तिकांत दास साहब। ओके, तो ये मैंने यहां लिखा भी हुआ है। उसके बाद अब ये जो कमीशन है फ्रेंड्स, जुलाई 2019 में इसका जो टर्म है 1 महीने के लिए गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिया था, यानी कि अक्टूबर 2019 में इसका पीरियड खत्म हो रहा था, बट अभी 1 महीना बढ़ाया है, तो यानी कि नवंबर 2019 तक अभी और अभी से रिकमेंडेशन देगा। ओके, ये काम करता रहेगा फाइनेंस कमीशन। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में कहां पे आता है, तो ये आता है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 280 के अंदर, 280 के अंदर। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि हमें जो वित्त आयोग है यानी फाइनेंस कमीशन, वो क्या है, एक संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई कानून बना के इसको बनाया, नहीं, ये हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको बना के गए हैं। ओके, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के अंदर एक ऐसी बॉडी जरूर चाहिए जो कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना वो बताए गवर्नमेंट को। ओके, सो अभी आपको मैं इनके मेंबर्स की पिक दिखा देता हूँ। ये आपके चेयरमैन है मिस्टर एन के सिंह, ये परमानेंट मेंबर है अजय नारायण झा, एंड ये आपके सेकेंड परमानेंट मेंबर अशोक लाहिरी जी, एंड थर्ड है मिस्टर अनूप सिंह। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका कि इनमें से किस कंट्री ने जो है मिपकॉम 2019 को ऑर्गेनाइज किया था। ओके, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड एंड ऑप्शन ई इंडिया। सो सेम आपको उसी तरीके से आंसर करना है जैसे अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताया था। ओके, तो लेट्स चेक इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, यानी फ्रांस। अब देखिए ये हुआ क्या है मिपकॉम के अंदर। ओके, ये क्यों मैंने इसको आपको इंक्लूड किया है करंट अफेयर में। देखिए, मिपकॉम 2019 कहाँ हो रहा है, ये फ्रांस की सिटी में कैंस के अंदर। ओके, अब
ये कब से कब हुआ है? 14 से 17 अक्टूबर 2019 को हुआ है। देखिए अब इंडिया के लिए क्या रोल था इसमें, इंडिया ने क्या किया था कि मीडिया और एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है ओके, तो इसके लिए इन्होंने क्या है 60 ऐसी चीजों के लिए उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए गाइड निकाली है, जिसमें कि ओके ये देखिए 60 उसके। अब ये क्या होगा कि इंडिया ने अपने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज दी है, यानी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ हमारा ही वो होगा इस पर्टिकुलर चीजों पे, कि हमारा ही रूल रहेगा ओके। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसको हम आईपीआर भी बोल देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए बेसिकली होता क्या है, सपोज कीजिए आपने कोई स्टोरी लिखी है ओके, कोई भी मान लो म्यूजिक बनाया है, नया म्यूजिक, और कोई भी आपने स्टोरी बनाई है, तो अब क्या है कि आपने देखा कि ये स्टोरी कहीं और किसी कंट्री में नहीं है और ये मेरी एक यूनिक स्टोरी है, तो आप क्या करेंगे उसका आईपीआर ले लेंगे ओके, पेटेंट रूल ले लेंगे, ताकि कोई उसकी कॉपी ना कर सके ओके, और कोई उसको अपना ना बना सके। तो इससे क्या होगा, अब अगर कोई इसको यूज भी करना चाहेगा तो उससे क्या होगा, आपको रॉयल्टी मिलेगी ओके। अब ये इंडिया ने क्यों किया ऐसा, क्योंकि आपको पता है इंडियन मूवीज जो है वो इंडिया में रिलीज ना होके बाहर की कंट्रीज में भी रिलीज होती है ओके, तो उसका म्यूजिक चोरी ना हो, उसकी स्टोरी कुछ चोरी ना करे, इसलिए इंडिया ने जो है वहां पे आईपीस लिए हैं ओके, तो इसलिए ये न्यूज में था ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा कि इनमें से कौन सी महिला ने, भारतीय महिला ने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ओके 16th of October को। तो आपके ऑप्शन है ए किरण उनियाल, ऑप्शन बी पीडी उषा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी पीवी सिंधु, और ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि किरण उनियाल। देखिए जो किरण उनियाल है, इनके जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी क्या है, इंडियन आर्मी में कर्नल है ओके, और अब इन्होंने देखते हैं कि रिकॉर्ड किस चीज में बनाया। देखिए इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है फीमेल कैटेगरी में एक ही पैर से कंटिन्यू 3 मिनट्स के अंदर नी स्ट्राइक किए, फुल नी स्ट्राइक ओके। तो 3 मिनट में इन्होंने कितने स्ट्राइक्स किए, 263। एंड इन्होंने एक और रिकॉर्ड क्या बनाया कि इन्होंने अल्टरनेट लेग्स मतलब एक बार राइट लेग से एक बार लेफ्ट लेग से कंटिन्यू ओके बिना रुके 1 मिनट के अंदर कितने स्ट्राइक्स किए इन्होंने, 120 स्ट्राइक्स किए हैं। अब ये नई स्ट्राइक्स क्या होती है मैं आपको इमेज में जरूर दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इससे पहले का जो रिकॉर्ड क्या था वो था 177 एंड 102 रिस्पेक्टिवली ओके, यानी कि जो इन्होंने 263 बनाया उससे पहले ये 177 था, और जहां इन्होंने 120 बनाया 1 मिनट में यही था पहले 102। अब जब इनसे पूछा गया कि जो आपने ये रिकॉर्ड बनाया इसके पीछे मोटो क्या आपका ओके, तो इन्होंने क्या बोला था कि जो मेरा मेन मोटो है वो है कि मार्शल आर्ट को प्रमोट करना गर्ल्स के अंदर, विमेन्स के लिए, किसके लिए, उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए ओके। सो एंड सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने जो रिकॉर्ड था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेन्स के अंदर ओके, यानी कि जो पुरुषों के लिए, और उसमें क्या था 226, वो भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो मैं चाहूंगा जो भी इस लेक्चर को देख रहा है वो कमेंट थ्रेड में जरूर जो किरण उनियाल जी हैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोले ओके, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हम इंडियंस अगर इंडियन को ही जो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई बाहर का थोड़ी थोड़ी करेगा ओके। तो एक दूसरे को जब आप ऐसे सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपको भी खुशी मिलेगी ओके ओके। अभी रिसेंटली इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था जनवरी 2019 में ओके, वो किसके लिए बनाया था इन्होंने, ये तो लेग से बनाया, इससे पहले इन्होंने क्या बना चुके हैं एल्बो से ओके, यानी कोनी से, एक ही हाथ की कोनी से 3 मिनट में इन्होंने 466 स्ट्राइक भी कर चुके हैं ओके, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इनका ओके। अब टोटल इनके पास 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं इनको, किस किस में, मार्शल आर्ट, फिटनेस में और सोशल वर्क में। अभी मैं आपको इनके इमेजेस दिखाता हूँ, ये है किरण उनियाल जी ओके, जिनको इन्हें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं ओके, एक आपके अल्टरनेट लेग और एक दूसरा सिंगल लेग से 3 मिनट के अंदर ओके। और ये है फ्रेंड्स नी स्ट्राइक ओके, ये इन्होंने एक ही नी से कंटिन्यूसली ओके 3 मिनट में 263 स्ट्राइक किए। और अल्टरनेट लेग में क्या होता है कि एक बार ये वाला पैर और दूसरा ये सेकंड पैर ओके, ये कंटिन्यू स्ट्राइक करना, तो देख लीजिए कितना स्टेमिना की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस इसके जो एक्स्ट्रा इनपुट काफी अच्छे लगे होंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अभी एक कैटल सेंसस जो है, यानी कि मवेशियों की जो जनगणना है, वो न्यूज में थी, तो आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या। देखिए अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हम पशुओं की
जनगणना क्यों करते हैं? देखिए बेसिक से एक बात बता देता हूँ कि इंडिया जो है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है ओके अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ओके। अब क्या होता है, जैसे हम इंसानों की जनगणना करते हैं ओके, तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए फिर पॉलिसीज बनाती है कि किस एज के अंदर कितने बच्चे हैं ओके, किस एज में कितने अडल्ट हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं ओके, उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, हमारी नई पॉलिसीज बनती है। सिमिलरली जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट की जो फैक्ट्रीज हैं ओके, जो आपके फार्म्स हैं उनके लिए भी जो पॉलिसीज बनती हैं, तो उसके लिए जरूरी तो पता तो होना चाहिए आपके पास कैटल्स कितने हैं, है ना। अब उसमें अगर मान लो हमें ये नहीं पता कितने मेल कैटल्स हैं कितने फीमेल कैटल्स हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि हम पॉलिसीज किसके लिए बनाएं, मेल कैटल्स के लिए बनाएं फीमेल के लिए बनाएं ओके। तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन भी बहुत सॉरी सेंसस जरूरी है। अब बात आता है कि सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स, 1919-20 में। उसके बाद अब तक टोटल ये 20वीं है, इससे पहले 19 और हो चुके हैं ओके। तो इस वाली जनगणना में क्या है, सभी जो स्टेट की गवर्नमेंट और यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी काफी सहयोग दिया है। एंड अब बात आती है कि इन्होंने किस किस को काउंट किया एनिमल्स में। देखिए कैटल आया, बेफेलो, मिथुन, याक, शिप, गोट एंड सोन, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद बर्ड्स में, पोल्ट्री बर्ड्स में कौन कौन से इन्होंने काउंट किए, फाउल, डक, एमू, टर्कीज, क्वेल एंड अदर पोल्ट्री बर्ड्स, जो कि एक ह्यूमन बींग जिनको पालता है ओके। ये हर हाउस होल्ड में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट ने इनको काउंट किया है ओके। अब इनके फ्रेंड्स मैंने आपके लिए एक पूरा पीडीएफ बना दिया है 2 पेजों का। आपको क्या करना है, इनको पोज करके पढ़ लेना है ओके। जो 31 पेजेस की गवर्नमेंट ने इसकी रिपोर्ट दी है, मैंने उसके जस्ट एक जूस निकाल के 2 पेजों में आपके लिए यहाँ पे शो कर दिया ओके। आप इसको पोज करके, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, पोज करके आराम से पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपका ब्रीफ इसको बता दूंगा कि मेन क्या क्या जो है इम्पैक्ट आया ओके। ये सेकेंड स्लाइड है, तो इसको आप पॉज करके जरूर पढ़िएगा। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, देखिए टोटल जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो कितनी होगी अभी, 535 मिलियन। अगर मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, और 10 मिलियन कितना हो जाएगा 1 करोड़ ओके। तो जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 53.578 करोड़, यानी कि 53.5 करोड़ जो अभी पॉपुलेशन हो गई किसकी, मवेशियों की। तो ये टोटल कितना है, 4.6% बढ़ा है अभी ओके। अब टोटल इसमें बोवाइन पॉपुलेशन कितनी है, बोवाइन में क्या होता है, कैटल, बफेलो एंड मिथुन और याक को काउंट करते हैं ओके। तो वो टोटल 30 करोड़ जो है अभी हो गए हैं, तो जिसमें भी 1% का इंक्रीमेंट है। अब टोटल कैटल की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, यानी कि ये जो बोवाइन पॉपुलेशन है इसमें से कैटल की कितनी है, 19 करोड़ ओके। और इसमें से भी 14.5 करोड़ क्या है, फीमेल कैटल है ओके। तो ये इसकी एक मेन थ्योरी है ओके, जो मेन डेटा है ओके। बाकी जो माइनर डेटा वो आपको उसको पोस्ट करके जरूर पढ़ लीजिएगा ओके। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे अपॉइंट किया गया ओके गवर्नमेंट के थ्रू। आपके आंसर है ऑप्शन ए जेपीएस चावला, बी अरुण मिश्रा, सी मदन बी लोकुर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी ओके, एंड ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए जेपीएस चावला। तो देखिए जेपीएस चावला जो है अभी नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं। अब इनका काम क्या होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर जो भी गवर्नमेंट खर्चे करती है ओके, उसकी डिटेल देनी होती है। तो ये अब बात करते हैं कि जेपीएस चावला जो क्या है, वो एक 1985 बैच के ऑफिसर है जो कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज में डिप्लॉयड है। इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ कि जो आपका जीएसटी रोल आउट हुआ था उसमें भी सबसे बड़ा रोल भी किनका था, जेपीएस चावला का ही था। और इन्होंने यहाँ इस पोस्ट पे आने से पहले इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स का भी पोस्ट पे काम कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए ओके। नमस्कार, जय हिंद।